बिल्ली ने पकड़ा था भाई इसको। काट देते हैं यहाँ पे, डेटॉल तो लगा दिया है, ऐसे तो इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही है। पूरा शाला शादी कर एला शाला नाती छे छे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। तो अभी दिन के 1 बज रहे हैं और सुबह से बारिश लग रही थी 1 बजे तक, अभी थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है मौसम। इसके यहाँ पे ऐसा हो गया है देखो, और 1 बज गया है दिन का, फिर भी बारिश लग रही है। अरे प्यारे बच्चों, अभी यहाँ बारिश हो रहा है, मैंने राजमा बोया था, इसके खरगोश ने राजमा भी काट दिया, और ककड़ी भी ऐसे पीला पीला हो रहा है, ककड़ी भी सर गए, ऐसे पौधे सर गए इधर से। मैं गाना गाना चाहती हूँ लेकिन मेरे गले का आवाज भी नहीं है, मजाक मत उड़ाना बस। लेकिन नैनताल की नंदा देवी फूल चढ़ाया पाती, पुरशाला शादी कर एला शाला नाती छे छे। अरे प्यारे बच्चों, अभी हमारा नंदा के मेला आ रहा है, आप भी हमारे वहाँ बर्म कमल तोड़ के लाते हैं, अभी जाके अभी नंदा के मेले के लिए आप लोग सभी प्यारे बच्चों यहाँ पहुँच जाना, मेरे नाती हो पोते हो क्या कहते हैं, यहाँ जरूर आना, फिर यहाँ गाना गाते हैं, चाँचरी लगाते हैं। छुप क्या बचा के मारे साला लाद्यला सपना सोचा देवाला बारामा बया हो मेला। हाँ हमारे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ के चाँचरी बता रही हूँ आपको, मेरे मजाक मत उड़ाना, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मेरा आवाज कम थर थर कम रहा है। हमारे पहाड़ों में ना, खासकर उत्तराखंड में झोड़ा चाँचरी गाया जाता है, मेला लगने वाला है बहुत जल्दी नंदा माता जी का, तो वहीं पर ऐसा होता है, तभी जाके दादी जी ने ये बताया आपको। यहाँ पर थोड़ा बहुत गोभी लग चुका है, गोभी के पौधे थोड़े बहुत उग चुके हैं, तो यहाँ पर एक प्लास्टिक डाल देते वरना बारिश से पूरा खराब हो जाएगा ये, और यहाँ पर अभी पूरे रस्सियां बांधेंगे प्लास्टिकों में वरना प्लास्टिक उड़ जाएगा। बाद में जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो अलग अलग करके पूरे खेतों में लगाना पड़ेगा। सुबह से मूसलाधार बारिश थी, पहाड़ों में तो इतने सारे बादल छा रखे हैं, इधर साइड बहुत ही ज्यादा बादल आ रखा है, पूरी तरह प्लास्टिक लग गया है गोभी के पौधों में, पुराने वाले मकान में पूरे प्लास्टिक लगा रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे घास और पत्तियां हैं। यहाँ पर आपको एक अटैची टाइप का दिख रहा होगा, इसमें ना देवी देवताओं के बहुत सारे चीजें हैं, शुद्ध वाले जब घटेली होती है तो निकाला जाता है, तो यहाँ पर छुआछूत नहीं करना पड़ता। थोड़े बहुत मक्के के पौधे बड़े हो चुके हैं, मक्के लगना स्टार्ट भी थोड़ा बहुत हो चुका है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर राजमा के पौधे भी लग गए हैं। मैडम जी को 7th मंथ हो गया है प्रेगनेंसी का, मेरे घर वाले भी और गांव के लोग भी बता रहे थे कि मेरे को बिल्कुल भी अपने शरीर में कैंची और ब्लेड नहीं लगाना है, थोड़े बहुत मोचे दिख रहे होंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर ये थोड़े थोड़े बाल आ रखे हैं, बाल भी हैं, तो इनको नहीं काटना है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक नामकरण नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब अब कम से कम 2-2.5 महीने मेरे को ऐसे जोगी की तरह लोग बोल रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा ही। कौन तुम्हारे उतने बाल आते, कोई यहाँ पे आता, कोई यहाँ पे आता, जैसे चाइनीज वालों को नहीं आता, कोई यहाँ पे आते, वैसे बाल आते तुम्हारे, वैसे भी सहना तो पड़ेगा ही, जैसे मैं सही हूं तुम्हें भी सहना पड़ेगा, तुम्हें तो बस थोड़ा सा बाल सहना है, मुझे तो पूरा सहना ही है। तुम्हें तो 9 महीने तक सहना है, उसके बाद जिंदगी भर मैंने सहना है। अच्छा, आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा भाभी जी को किस प्रकार से 2 लकड़ियों में भाई हॉस्पिटल तक पहुँचाया था, और हॉस्पिटल चेकअप करने का पता चला कि थोड़ा बहुत कमजोरी है, और यहाँ पर इतने सारे बो रखे हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं भंगड़े के पत्तियां। तो पहाड़ों में जब त्योहार होता है या शुभ काम होता है तो इनके पत्तियों के हम लोग चुन्नी बनाते हैं भाई, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बुबू सफाई चल रही है, बरसात के दिनों में ना दोस्तों आंगनों में बहुत सारे पौधे उग जाते हैं ना पानी के द्वारा, हर हफ्ते में सफाई करना पड़ता आंगन। भूमि बाले छाना नो बैगन रिंगन घोमन जग बैठी माताया। बुबू जी आपने जो हमारे पहाड़ी भाषा में भी एक गीत गाया ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या चीज हुई? देवता ना का कहन में भा, जो देवी देवता होते हैं, जो जो फुल फुल धाम ना। अच्छा, जो हमारे बालसन बुबू जो हमारे कुल देवता, उनके बारे में गाया था आपने ना, फुल फुल मंदिर। बाकी यहाँ के पहाड़ों में भी देखो भाई बहुत सारा कोहरा छाया हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से मक्कों के यहाँ ऊपर में फूलों में देखेंगे तो मधुमक्खियाँ देखो शहद ले जा रही हैं। तो यहाँ पर रहा भाभी जी लोगों का मकान, और भाभी जी लोग आ चुके हैं और थोड़े बहुत लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए।
अभी एक पक्षी मिला है, बिल्ली ने पकड़ा था इसको, तो फिर बड़े मुश्किल से बचा के लेके आया हूँ मैं। टॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट जब तक ये ठीक नहीं होती यहीं रहेगी। पाप लगता है, उड़ा दे इसको, उड़ाना ठीक है, पाप लगता है, मत करो, उड़ा दो ना इसको, ये अपने आप ठीक हो गए, उनको कुदरत ने खुद दे दिया है, अगर हम यहीं रखेंगे तो ये मर जाएगी, दो दिन भी नहीं टिक पाएगी। मनुष्य के बीच लगता है, जैसे इनको इनसे हमको बीच लगता है वैसे इनको भी हमसे बीच लगता है, तो उड़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से। आराम से पकड़ा मैंने इसको, ये अभी मिला था मेरे को, ये तोता के साथ आता, तोता ये पंछी पर जाती है। तो भाई यार ये भाग नहीं पा रही, इसके देखो यहाँ पर, जैसे मैंने उसको डिटॉल लगाया ना भाई, हाथ से पूरा उड़ गया था वो। हमारा इंसानियत होने के नाते ये फर्ज बनता है कि उनको बचाए ना। पहाड़ी कबूतर होता है, इसको बहुत खतरनाक चोट लगी, बिल्ली ने काटा था इसको ना। दोस्तों आजकल मूली बोया जा रहा है ना, तो मूली बहुत ज्यादा खाते हैं, मूली के बीज बहुत ज्यादा खाते हैं ये लोग, तो बिल्लियों का आतंक बहुत मचाना, बहुत सारे लोगों ने बिल्ली पाल रखा है, तो इसको पकड़ दिया था, तो बड़े मुश्किल से मैंने छुटा रखा है, मतलब पकड़ा ही था आधा ही, तो चोट लगी इसको, तो कोशिश करेंगे इसको बचाने की यार ना, जितना हमसे हो सके। यहाँ पर तो मैंने हल्दी लगा दी है, अब यहाँ पर लगाना है, पूरा काट दिया था यहाँ पे, अभी तो जिंदा है यार, टेंशन नहीं हो रही, अगर इसको कुछ हो गया तो भाई क्या होगा। इसको यहाँ पर लेप लगा देते हैं, डेटॉल तो लगा दिया है, और इसको भयंकर चोट लगा है भाई, जो बिल्ली ने इसको काटा ना, बहुत खतरनाक काट रखा है, अब इसको अपने पास ही रखना पड़ेगा और कल देखते हैं कि ठीक होगा या नहीं। तो जहाँ पर खरगोश रहते हैं ना, खरगोश अभी बाहर पे हैं, तो वहाँ पर इसको रखा है मैंने, देखते हैं यार कल, अगर कल ठीक हो जाए ये उम्मीद है। तो बिल्लियों का आतंक यहाँ पर इतना ज़्यादा है क्या ही कहें, एक बार तो खरगोश मरते मरते बचा मेरा बिल्ली के द्वारा, एक को तो जान बचाकर हम लोगों ने भगा दिया है, उड़ा दिया है, उड़ गई है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं था, थोड़ा यहाँ पर लगा था, और दूसरे वाले को थोड़ा बहुत खतरनाक चोट लगी है ना यहाँ पर, तो अब दवाई तो लगा दिया, कोशिश करेंगे कि ये बच जाए यार ना। तो ये वाला मकान बहुत ज़्यादा पुराना है और आगे का पार्ट पूरा आगे की तरफ आ गया है, और यहाँ पर अंदर पानी बहुत टपक रहा है, और ताई जी लोग तो भाई तैयार होकर अभी जाने वाले हैं अपने गौशाला जहाँ पर रहते हैं वो अपने पशुओं के साथ बुग्यालों में। बहुत दिन पहले यहाँ पर हमारे ताऊ जी ने एक कीवी का पौधा बोया था, और इसमें देखो हरी पत्तियाँ भी आ गई हैं, और यहाँ साइड से पूरा ये देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ साइड से उधर को जा रही है इसकी टहनी। एक कीवी का पौधा बोया था हमारे ताऊजी लोगों ने, और मेहनत रंग लेके आई है, पूरा पौधा लग चुका है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कीवी का पौधा गर्मी वाले माहौल में लगता है ठंडे वाले में, तो आप कमेंट करके जरूर बताने कि कैसे वाले वातावरण में कीवी का पौधा लगता है और कीवी के फल लगते हैं, जरूर बताएगा, जिससे हम लोग भी कीवी बोएं और यहाँ पर खेती करें, अगर यहाँ पर ठंडे इलाके में होता होगा तो। यहाँ पर देखो इतने सारे लकड़ियाँ लगा रखे हैं पूरे अभी स्टेबल के लिए, और यहाँ से पूरा एक डंडी लगा रखे जो कि उधर को जा रहा है। भाई जो है गुजरात साइड जॉब करते थे वहाँ से आ भी गए हैं, क्योंकि भाभी जी की जो कंडीशन है बहुत ही खतरनाक हो रही है, अब देवी देवताओं का प्रकोप है ऐसा बता रहे हैं, और मान भी रहे हैं। भारी बरसात हो रही है तो जगह जगह पर इतने सारे मशरूम लग रहे हैं, लेकिन ये मशरूम पूरा विषैला है, ये मशरूम आप लोग मत खाइएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। यहाँ पर देखो सारे बकरियाँ आ रखे हैं घास खाने के लिए, और ये कठेले उन्हीं के हैं जो भाभी जी बुग्यालों में अकेले रहती है, चरवाह है, चरवाहों के पशु बुग्यालों में मैं पहुंच चुका हूं, और देखो सारे पशु घास खा रहे हैं हरी वाली, और इस बुग्याल का नाम है आपका टीटी बुग्याल। यहां पर भी चार पांच परिवार वाले अभी भी अपने पशुओं के साथ रहते हैं। यहां पर मेल वाला मिंडा है, और बाद में जब ये बड़ा होगा ना तो इसके बड़े बड़े सींग निकलेंगे। टीटी बुग्याल में आ गया हूँ, ताऊजी लोग यहाँ पर रहते हैं भाई, पूरे मडवे की खेती कर रखे, और यहाँ पर अखरोट का पेड़ बोया गया है जो कि बहुत बड़ा लग रहा है। पूरे इस साइड देखो भाई अभी राजमा के पौधे लगे हुए हैं, ये देखो भाई इतना मस्त है मकान है पूरा का पूरा गौशाला में। चाचा जी बढ़िया हो रहे हो, तो चाचा जी भी काम करके आए होंगे ना अभी। दीपू आया नहीं आया? दीपू नहीं आया है। अच्छा वहीं पढ़ाई कर रहा है? वहीं पढ़ाई कर रहा है, अकेला हूँ यार बेटा। अकेले हो? हाँ अकेला है, अकेला रहते हैं। और क्या आजकल के सतर सोमाह में शेर भालू भी होता है, वो भी होता है, उसका भी डर रहता है अब, लेकिन और अब बीवी भी और माइक घर में है। अब तो कितने साल हो गए उनको माइक? तीन साल हो गए हैं। तीन साल और वहाँ पर दोस्तों जो पूरा आपको बादल वाला पहाड़ दिख रहा है ना, इनके यहाँ पर जस्ट हमारे चाचा लोगों का मकान है भाई। मैं अकेला रहता हूँ, तीन साल हो गया है, और मेरे साथ में कोई ऐसे आदमी नहीं रहता। मतलब परेशान हो? परेशान है, क्यों नहीं होंगे परेशान। अब अकेले आप बाल बच्चेदार वाला आदमी हो, एक बच्चा पूना है और एक बच्चा अपने माई के पास है, मैं अकेला हूँ। जब आदमी बिछड़ करके दूर चले जाता है तो हर दुख हर कठिनाई तो झेलना ही पड़ता है बेटा। इनकी बीवी भी अब तीन चार साल हो गया माई के, मैं यहाँ आने का नाम भी नहीं ले रही हूँ, और बेचारे इतना मेहनत करते हैं ये,
और इनका एक घने जंगलों में भाई, जहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं, ना लाइट है ना कुछ भी है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर अकेले रहते हैं बिना बच्चों के, बिना बीवी के, परिवार के, मतलब बहुत बुरा लगता होगा। क्यों नहीं लगता है, और बड़े बेटे को पढ़ाया लिखाया वो बाहर से ले गया है, सही बात, और 12-13 साल में दूसरा लड़का हुआ और उसको मैंने 1.5 महीने का पाला, कैसे किया, क्या पोषण किया वो तो मैं जानता हूँ, जिसने गांव वालों ने देखा होगा वो जानता होगा, सही बात। और पर लेकिन अभी तो मैं अपना बात कैसे कर सकता हूँ और कौन सोच मानने का, आंखों देखे देखी कल, हाँ सही बात, कल जब भी आंखों देखा दिखाई वह भी गलत लगता है जी। और पर लेकिन जिस तरह से मैंने वो पाला है, भगवान मेरे को कभी ना कभी मेरे को रास्ता जरूर देगा। हमारे बड़ी मम्मी जी लोग का खूबसूरत सा गौशाला, तो ये रहा दोस्तों, अभी यहाँ पर बैठेंगे और मेरे दादा हैं यहाँ पर, और सब बढ़िया दादा, बढ़िया। पाव जी लोगों ने यहाँ पर बड़े मेहनत से बनाया था ये मकान, ये पूरा किचन है जहाँ पर सालम घास से छत डाला गया है, यहाँ साइड से पूरा ये रास्ता है दोस्तों, पुताई कर रखा है बहुत मेहनत से, और ये वाली जो मिट्टी है ना पूरे ऊपर बुग्यालों से लाया जाता है, ऊपर से बहुत दूर से लाते हैं। दादा कितना टाइम लगा इस मकान को बनाने में? 2-3 महीने। और ये मिट्टी तो बहुत दूर से लाते होंगे, ऊपर से लाते थे। ये हो गया आपका सिल, और इसे हम लोग बट्टा बोलते हैं, जो कि पहाड़ों में बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। पहले के टाइम में तो भाई दूध बिल्कुल भी नहीं आता था, ये शहर वाला दूध बिल्कुल नहीं आता था पहाड़ों में, अब आते ही मिल गई भाई गर्मा गर्म चाय। हमारे भैया लोग तो देखो भाई कितने प्यारे बुग्याल में रहते हैं, सामने कितना मस्त पहाड़ है। आप भी पी लो चाय। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, ओके। वो छपरे में इतने सारे नए आलू हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको पाने में, क्योंकि देखो यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं, फिर भी हम लोग ने इतना स्ट्रगल करा कि ये यहाँ तक पहुँच गया है। कल आपको पूरा जर्नी बताने वाला हूँ किस प्रकार से मेरी जर्नी रही यूट्यूब में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय आप सभी को।